फ्रेंड, तो आप लोग कैसे हो। मैं हूं आपका दोस्त मनोज, और दोस्तों स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मनोज वीडियो मिक्सिंग पॉइंट। तो दोस्तों आज मैं बात करने वाला हूं कुछ सर्कल इफेक्ट के बारे में और मास्किंग के बारे में। ये दो टॉपिक है जो आज की डेट में मैं आप लोगों को बताऊँगा इस वीडियो के अंदर में, तो बने रहिए मेरे साथ। तो चलो फिर स्टार्ट करते हैं। ये अपना न्यू प्रोजेक्ट हो गया, यही हमेशा से यही वाली 1920x1080 25 फ्रेम पे, और कुछ डेमो वीडियो लाते हैं। हाँ, कुछ लोग सब लाइट इफेक्ट के बारे में बात कर रहे थे, तो यही सब होती है लाइट इफेक्ट है। आप देख रहे हो यहाँ पे लाइट इफेक्ट है मेरे पास, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट में यूज किया है, आप लोगों का दिया भी हूँ। वो लोग आप लोग उसको डाउनलोड कीजिए प्रोजेक्टों को और यूज कीजिए। सर्कल इफेक्ट के बारे में बताऊंगा और मास्किंग के बारे में। एक आधा PNG लेके आता हूं ताकि मैं आप लोगों को सही से समझा पाऊं। PNG, यही PNG मैं ले लेता हूं आप लोगों को। इस पर ट्रैक मैट भी बना के दिखाऊंगा आपको, ठीक है। मुझे लग रहा है कि ये बताना चाहिए ट्रैक मैट। मैं एक न्यू सीक्वेंस ले लेता हूँ, इसको खोल लेता हूँ। ये रहा ट्रैक मैट, मान लीजिए हमने ट्रैक मैट ले लिया, ये मेरा वीडियो है, मैंने यहाँ से कॉपी किया है, ट्रैक नंबर 2 पे पेस्ट मार दी, ठीक है। 24 सेकंड का वीडियो है, चलो मैं इतना लंबा तो वीडियो नहीं बनाना चाहिए। अब इस पे F7 का बटन प्रेस कीजिए और ट्रैक मैट के बराबर जो है लाल आपको करना पड़ेगा। जितनी बड़ी आपकी ट्रैक मैट हो उतनी बड़ी हमने कर दिया, ठीक है। अब इसको ऊपर किया, केयर्स में गया, ट्रैक मैट ऊपर वाला वीडियो पर डाल दिया। या इसका फ्रेम ये है, ये देखिए यहाँ आ गया। मान लीजिए ये वाला जो है कॉपी करते हैं हम, इफेक्ट है लाइट इफेक्ट है, और इस पे हमने पेस्ट मार दिया, और यहाँ से जो है ना सबसे पहले सीक्वेंस 2 में इस ऑडियो को बंद कर देना, ताकि यहाँ पे लेके जाओगे ना तो ऑडियो वगैरह ना आए। ये देखिए अभी आ गया नहीं ऑडियो वगैरह, तो वो ना आए, इसके लिए जो है आपको अपने को इसको बंद करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इस पे 2 इफेक्ट यूज कर सकता हूँ। ये जो अभी हमने जो ट्रैक मैट के बारे में बताया था, तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे, तो ट्रैक मैट भी मैंने आपको बता दिया, हम इस पे 2 इफेक्ट यूज कर सकते हैं। फर्स्ट तो अपना मास्क है, ये रहा मास्क, मास्क लेके गए जी। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, इस पे भी हम की फ्रेमिंग कर सकते हैं बहुत ही आसान तरीके से। मान लीजिए कि मैंने इसको इतना खींच दिया और यहाँ से मैंने जूम किया, इसको सेंटर में लेके गया, ये रोटेशन है ना, इसको किया 0। अब मास्क को जो बिल्कुल ये जो है इसका बीच में एंकर पॉइंट है, इसको बिल्कुल सेंटर में मिला लेना, ठीक है। और ये वाला जो इसका स्लाइडर, इसको कर देना पूरी तरीके से बंद, ठीक है। अब मैं इसमें करता हूँ की फ्रेमिंग। अब यहाँ से एक लगाए की फ्रेमिंग जी, और 8 सेकंड तक गए, ठीक है। 8 सेकंड तक जो है इसको धीरे 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 खोल दिया। अब हमने एक गलती करा है इस पर, ठीक है, शायद आप लोगों को भी पता होगा कि हमने ये गलती, जहाँ मैंने ये जो भी किया है इससे पहले अपने को करना चाहिए था, वो गलती मैंने जानबूझ के की थी, क्योंकि आप लोगों को भी पता चले कि होती कैसे है, ठीक है। तो गलती क्या है, जो हमने मास्किंग के तो की फ्रेमिंग की, लेकिन यहाँ से वो ऑफेसिटी जो है आउटसाइड का हमने 0 नहीं किया, ठीक है। तो जैसे जैसे अगर ये आप करोगे, यह 8 सेकंड की है, तो ये ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। इस पर राइट क्लिक करके कंट्रोल ए कीजिए, राइट क्लिक कीजिए और
लीनियर चाहे जो भी है, ये ब्लेजर है, जो भी है आपको कर दीजिए इसको, ठीक है। अब ये देखिए, ये स्लो चल रहा है, कुछ नहीं करने, इसकी फ्रेमिंग को जो है यहाँ से जितना कम पे करेंगे, ये मैंने पिछले वीडियो में बता रखा था, ये देखिए, या आपने देखा होगा टाइटल वगैरह में जब यूज होता है। अब ये देखिए, ये यहीं तक रुक गया, ये क्यों रुका यहाँ तक, ये जो मास्किंग है ये यहीं तक नहीं रुकना चाहिए था ना, ये देखिए हमने यहीं तक कर रखा है। अगर इसी को जो है यहाँ से हम पूरा ही पकड़ के अगर पूरा ओपन कर दे तो ये पूरा ही ओपन होगा, लेकिन ये थोड़ा सा फास्ट में कराना चाहिए ये, ताकि जो है अपने को अच्छा दिखे, ये देखिए, समझ गए। और भी हम इसमें एक चीज कर सकते हैं, यहाँ पे जो सॉफ्ट है, सॉफ्ट पे जो है हम 50% करते हैं, बूथ जो है अगर हम इनसाइड कर देते हैं, ओ सॉरी आउटसाइड हो गया, इनसाइड किया तो ये जो खुलेगा, ये देखिए, ये देखिए इसमें बॉर्डर सॉफ्ट की तरह हो गया, लेकिन अगर हम इसी को जो है आउटसाइड भी देते हैं तो आउटसाइड ऐसे फैदर हो जाएंगे, और बूथ करते हैं तो दोनों साइड हो गया, लेकिन दोनों साइड हो गया तो कम दिख रहा है। इस पर मान लीजिए 100% करते हैं तो कितना दिखता है जी, ये देखिए, तो ये सॉफ्टनेस पे आ गया, ठीक है, बिल्कुल ठीक है, बहुत ही अच्छा बन गया हमारा इफेक्ट है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया, अब इसी के ऊपर में जो है मैं सर्कल यूज करता हूँ, ठीक है। नीचे का जो वीडियो है इस पर मैंने ये फिल्टर डाल दी, और यहाँ से इसकी रेडिएशन थोड़ी सी बढ़ा दे रहा हूँ जी, कोई ख़ास फर्क नहीं पड़ा, ये रहा, इस पर मैंने मोनोट्यून डाल दी, हाँ ठीक है, इस पर मैंने अब मोनोट्यून डाल दी, ठीक है। अब मैं इस पर सर्कल दिखाता हूँ, जैसे कि मैंने आप लोगों को बोला था ना कि सर्कल का इफेक्ट है, तो सर्कल ढूंढना पड़ेगा, सर्कल ये रही, तो सर्कल भी हम कैसे इस पर यूज करेंगे, ये देखिए, सर्कल भी हम यूज करा सकते हैं, हालांकि सर्कल अच्छा है, उससे तो बेस्ट मास्किंग से अच्छा ही है, क्योंकि आपको इस पर भी हम बॉर्डर वगैरह अप्लाई कर सकते हैं, इसके भी जितना लंबा हम डालेंगे उतना, जितना लंबा इसकी इफेक्ट हम डालेंगे उतना वो स्लो चलेगा, जितना छोटा डालेंगे उतना वो फास्ट चलेगा, ये देखिए, तो इतना तो स्लो करने का नहीं, ठीक है। अब मैं इसी सर्कल के ऊपर में कुछ बॉर्डर वगैरह का बता रहा हूँ, क्योंकि ये ज़्यादा पूछा गया है मेरे से, बहुत ही ज़्यादा। तो ये जो है मान लीजिए कि मैं यहाँ से इसको कलर फिल कर देता हूँ, ठीक है, बॉर्डर कम करता हूँ, या सॉफ्टनेस जो है इसको थोड़ी सी बढ़ाता हूँ, ठीक है, और यहाँ से आप स्मूथ भी कर सकते हो, लेकिन थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता इसको, इसलिए मैं इसको यूज नहीं करता स्मूथ, मैं इसी को यूज करता हूँ। यहाँ से कलर जो है जो भी कलर आपने चूज़ करना है वो चूज़ कर लीजिए, फिल कर दीजिए, ये देख लीजिए, ये मान लीजिए ये मेरा बन गया, ये मेरा इफेक्ट बन गया, सर्कल मैं पकड़ के यहाँ छोड़ दिया, ठीक है। अब मैंने इस सर्कल को किया डिलीट, और ये अपना बनाया हुआ सर्कल इस पर पेस्ट मार दिया, इससे होगा क्या है कि हमारे कंप्यूटर पे जो है ढूंढने नहीं पड़ेंगे यदि इफेक्ट है, ये लीजिए, ये हमारा बन गया, और हमने यही सेम जो है यहाँ पे मास्किंग से किया है, यहाँ से मास्किंग पे, मास्किंग से किया है, यहाँ मास्किंग, यहाँ मास्किंग, यहाँ लेआउटर, और तीसरी चीज मैंने आपको बताया ये ट्रैक मैट, तो ट्रैक मैट पे जो है मैंने मान लीजिए ऊपर एक क्लिप को डिसेबल कर दिया, तो हमने इस पे मास्किंग लगा रखे हैं, सॉरी इस पे ट्रैक मैट लगा रखे हैं डेमो वीडियो पे, ठीक है। अगर हम यहाँ से इसको इन्वर्ट कर देंगे तो ये देखिए कैसे हो जाएगा,
ये इन्वर्ट के भी इन्वर्ट है ना, इसके बारे में भी आप लोगों को मैं बताऊंगा, लेकिन धीरे धीरे। तो यहाँ से अगर मान लीजिए हम यहाँ से ट्रैक मैट हटा देते हैं तो ये कुछ इस प्रकार से दिखेगा, और इसको मैं अगर डिसेबल करता हूँ इस क्लिप को, तो ये हमारा ऐसे दिखेगा। और नीचे वाले ट्रैक मैट को अनेबल करते हैं तो ये अपने को ऐसे दिखेगा, जो कि बेटर लुक है। अब मान लीजिए कि मैं इसी पे एक और ट्रैक बढ़ाता हूँ और लाइट इफेक्ट्स के बारे में भी बताता हूँ, क्योंकि हालांकि बहुत सारे लोगों को पता है लाइट इफेक्ट के बारे में, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। ये जो इफेक्ट होता है कम से कम 8 सेकेंड, ज़्यादा से ज़्यादा 12 सेकेंड, इससे ज़्यादा बड़ा नहीं बनते 3D इफेक्ट कभी भी। इससे बड़ा डालोगे तो फिर अपने को प्रॉब्लम आएगा रेंडिंग में। ये तो नहीं भाई, इस पर तो प्रॉब्लम नहीं आएगा क्योंकि ये इतनी हार्डली नहीं होती, क्योंकि हम ये क्लिप पे बनाते हैं स्टॉक फुटेज पे। ये देखिए इसकी अगर इसी के ऊपर लाइट डल रही है, क्योंकि नीचे की तरफ में फुटेज नहीं है। अगर मान लीजिए कि नीचे में मैं कोई फुटेज डालता हूँ, ये देख रहे हो, ये बने बने रखा हुआ है अपने पास FCP का, लेकिन FCP ने प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है यार, इसलिए मैं इसकी वीडियोज डालता नहीं हूँ। और हाँ, एक चीज़ और मैं अभी आपको बताऊंगा, जो कि मुझे लग रहा है कि बताना चाहिए। ये लीजिए, अब ये लाइट लाइट इफेक्ट जो डलेंगे इस क्लिप पे, तो ये पूरे पे ही होगा। ये देखिए, तो बताना क्या था, डबल क्लिक मारे बिन में, और मान लीजिए ये क्लिप मैंने लिया, ये क्लिप मुझे पसंद है, इसकी प्रॉपर्टी चेक करनी है, तो यहाँ से चेक कर देंगे। तो जैसे अगर हम कोई भी प्रॉपर्टी पे अगर ये चेक करेंगे, तो यहाँ इन्फो में सारे इसके डिटेल्स आ जाएंगे कि MP4 में है, क्या है, नहीं है, क्या फ्रेम रेट है, ये सारे। ये देख रहे हो 25 फ्रेम पे है, एक्सपेक्ट रेशो इसका देख रहे हो 16.9 है, फाइल इन्फो है, कहाँ पे इसका लोकेशन है, कितने MB का, ये सारे कौन सा फॉर्मेट में है, ये सारे आपको यहाँ पे वो शो कर देगा। तो ये मैंने नहीं बताया, शो प्रॉपर्टी ये ज़रूरी है, शो प्रॉपर्टी। अब जरूरी तो मेरे लिए तो नहीं है, बाकी बहुत सारे लोगों के लिए है। मान लीजिए जैसे कि ये क्लिप है, और इस क्लिप के बारे में मुझे नहीं पता कि ये क्लिप क्या करता है, नहीं करता है, कितने फ्रेम पे है, नहीं है। जैसे हम इस पर चेक करेंगे तो यहाँ पे अपने को फ्रेम रेट पे बता देगा, ये 60 फ्रेम तक जो है EDS सपोर्टेड करता है, 60 फ्रेम। अब जो EDS 9 है वो तो ज़्यादा फ्रेम तक है, ये 60 फ्रेम तक है। तो यहाँ पे फाइल इन्फो में गए, और यहाँ पे 12 MB का फाइल है, ये भी CHD में है, अभी जो ये भी CHD जो ये कैमरा अभी आज की डेट में ये फॉर्मेट पे आ रहे हैं, ये फॉर्मेट काफ़ी हैवी होती है, इसमें क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है। अगर ये फॉर्मेट आप करते हो तो मान लीजिए 1 घंटे की वीडियो अगर रिकॉर्ड करोगे, नहीं तो 1 घंटे की वीडियो ये समथिंग 35 GB 36 GB का फॉर्मेट में बनेगा, ज़्यादा ही बन सकता है। मैंने आपको मिनिमम बताया, कम से कम बताया, ज़्यादा से ज़्यादा इससे भी ज़्यादा बनेगा, क्योंकि इसकी क्वालिटी बहुत बेहतरीन होता है। मान लीजिए ये MP4 है, ये वाला MP4 है, तो इसकी फाइल साइज जो है छोटा होएगा, ये इसका फाइल साइज छोटा होगा, लेकिन ये भी CHD में जितना क्वालिटी होती है उतना क्वालिटी इसमें नहीं होगा। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे कि मैं आप लोगों को क्या बता रहा था। फर्स्ट ट्रैक मैट मैंने इस पर बता दिया, लाइट इफेक्ट भी बता दिया, और यहाँ पे गया, यहाँ पे मैंने मास्किंग के थ्रू की है, ये देखिए यहाँ पे मैंने मास्किंग के थ्रू इसको किया है, और यहाँ पे मैंने सर्कल जो EDS है खुद की सॉफ्टवेयर प्लग इफेक्ट है उसके थ्रू मैंने किया है सर्कल के बारे में। ठीक है, अब हम यहाँ पे कुछ एक चीज़ और भी करा सकते हैं। सर्कल पे डबल क्लिक मारे और यहाँ पे गए, यहाँ से रिवर्स भी ले सकते हैं हम। ठीक है, और स्लो डाउन हम कर देते हैं, देखना कैसे ये चलेगा। तो यहाँ पे जो है देखिए, वहाँ से झटके से आया और होते होते स्लो हो गया, इसको स्लो डाउन बोलते हैं। ये सर्कल में बहुत सारे ऑप्शन हैं जो कि अपने को धीरे धीरे जो है मुझे लग रहा है कि सीखना चाहिए अपने लोगों को। ब्रॉन्ड ये ऐसे झटके मार मार के आएगा, ये देखिए ये था। ये सब चीज़ें जो है मैं आप लोगों को इस वीडियो में बता दिया हूँ, बाकी वीडियो में बताऊँगा।
तो वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर बनता है। अब बाकी आप लोग शेयर भी कर ही देना, आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे वीडियो लाऊंगा। प्रीमियर प्रो का भी वीडियो मैं बनाऊंगा, क्योंकि मैंने आपको पहले भी बताया कि एक ही EDS का और एक प्रीमियर प्रो का। ओके, तो मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।